सो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम जो है इम्पोर्टेंट आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के जो बैंक रेट्स हैं उसके बारे में करेंगे चर्चा। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो टूल हैं वो हैं। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। इसके तहत जितने भी बैंक के लोन्स होते हैं या फिर आरबीआई किस तरह से काम करता है उसके बारे में चर्चा की जाती है, और इसमें जो कुछ आरबीआई और बैंक के बीच जो रेट्स होते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होती है, एमएसएफ होती है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो को। और उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बैंक रेट्स लिखे हैं मैंने। तो सबसे पहला रेट है रेपो रेट, 4.0% रेपो रेट चल रही है। तो आपको रेपो रेट देखिए क्या होता है कि बैंक जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंक को किस दर पे जो है वो लोन देता है, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनको जिस दर पे लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट अभी जो है 4% चली हुई है। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट, अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों से वापस जो लोन दिया हुआ है वो वापस लेना है, तो बैंक जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को किस दर पे जो है वापस लोन देते हैं वो होती है रिवर्स रेपो रेट। तो 3.35% जो है रिवर्स रेपो रेट चली हुई है। तो देखिए 4.0 जो है आपकी रेपो रेट है, और उसमें से अगर हम 0.25% घटा देते हैं तो आपके 3.35% जो है आपकी रिवर्स रेपो रेट रहती है। तो हमेशा याद रखें कि रेपो रेट की जो दर है वो रिवर्स रेपो रेट से 0.25% आगे होती है, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट से 0.25% पीछे होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो थर्ड देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अगर मान लीजिए किसी बैंक को एक रात के लिए लोन चाहिए, ठीक है, तो आरबीआई करता है, क्या करता है कि उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पर लोन देता है, वो भी एक रात के लिए। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट है वो 4.25% चली हुई है, और ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है इसको एमएसएफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये जो रेट होती है वो रिवर्स रेपो रेट से 0.25% आगे होती है। रेपो रेट कितनी है आपका, सॉरी रिवर्स रेपो रेट नहीं, रेपो रेट से 4.0% आगे होती है, यानी कि 0.25% आगे होती है। तो रेपो रेट कितनी है आपकी, 4.0%, तो 0.25% उसमें ऐड कर दिया तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बनता है। अगर रेपो रेट में से हमें 0.25% माइनस कर दिया तो रिवर्स रेपो रेट बनता है। तो ये देखिए बैंक रेट, बैंक रेट और रिवर्स जो आपकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो दोनों सेम ही होती है। तो जब आरबीआई जो है बैंक को सामान्य ब्याज दर पर लोन देता है तो उसको बोलते हैं आपका बैंक रेट। ठीक है, सामान्य ब्याज दर पर जो है लोन देता है तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट जो है आपकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के बराबर ही होती है, और रेपो रेट से 0.25% आगे होती है। फिर आप की आती है एसएलआर और सीआरआर, एसएलआर और सीआरआर। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमने बैंक में 100 रुपये जमा कराए। ठीक है, मतलब पूरे महीने के जो है मान लीजिए बैंक में 100 रुपये जमा हुए हैं, तो उसमें से 3% हिस्सा यानी कि 3 रुपये जो है वो कैश रिज़र्व रेशो में जाते हैं, और ये कैश रिज़र्व रेशो किसका है, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का, यानी कि 3% हिस्सा कहाँ जाएगा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में 100 रुपये में से। अब 97% बचा है। ठीक है, 97% में से 18%, ठीक है, 18% जो हिस्सा है वो आपका एसएलआर होगा, स्टैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो। ये जो एसएलआर होता है वो आपका कहाँ जाता है, बैंकों में, बैंक के पास। ठीक है, मान लीजिए आपने एसबीआई में पैसा जमा कराए तो उस बैंक के पास 18% हिस्सा जो है 97% का वो रह जाएगा। ठीक है, बाकी का अगर जो 97% में से अगर आपने 18% घटा दिया है तो जो बाकी का जो पैसा है वो पब्लिक में
सर्कुलेट होता है। तो ऐसे में आरबीआई के पास भी पैसा जाता है, बैंक के पास भी पैसा जाता है, बैंक को भी तो ज़रूरत होती है ना, ठीक है, और पब्लिक के पास भी पैसा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो बैंक के पास होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रूरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो है रेशियो जो है बैंक की होती है, और सीआरआर वो जो रेशियो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। अब जब जब आपकी नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो उस समय जो कैश रिजर्व रेशियो था वो 100% कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि आरबीआई को पैसा मार्केट में से अपने अंदर स्टोर करना था, अपने पास अपने बैंक में आरबीआई में स्टोर करना था, तो उस समय जो है कैश रिजर्व रेशियो बिल्कुल 100% कर दिया गया था। तो ये याद रखें। फिर आती है बेस रेट फॉर वेरियस बैंक्स। जो बेस रेट है वो जो है आरबीआई डिसाइड करती है कि सभी बैंक का जो बेस रेट है वो क्या होना चाहिए, 8.15 से 9.46% के बीच में। सो ये आरबीआई डिनोट करती है। तो इसमें होता क्या है कि किस परसेंटेज पे आप जो है लोन देते हैं पब्लिक को, तो इससे बिलो अगर परसेंटेज जाती है तो आरबीआई उसके ऊपर, बैंक के ऊपर कार्रवाई करता है कि आप जो है इसके परसेंटेज से बिलो जो है किसी को लोन नहीं दे सकते। तो ये बेस रेट होती है। तो यहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, बेस रेट जो होती है बैंक्स की, उनसे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर मेरे से कोई गलती होगी तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मैं गलतियों को जो है सही करने की कोशिश करता हूँ और एक अच्छा लेक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।